हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारा जो घर का काम है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। एंड आज इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मेरा घर फाइनली कैसा दिखता है। तो पूरा होम टूर करवा रहा दोस्तों, जो मेरा नया घर है वो बाहर से अंदर से कैसा दिखता है ये आपको इस ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। तो ये ब्लॉग आप लोग को एंड तक देखना है ताकि हर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता सकूँ। ठीक है, तो एक्साइटेड हो जाओ दोस्तों एंड तैयार हो जाओ ताकि आप लोग को पूरा होम टूर मैं करवा सकूं। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ फोर्थ फ्लोर के ऊपर एंड अभी चलते हैं डायरेक्टली मेरे घर की तरफ। एंड गाइस, ये आप देख सकते हो सामने की तरफ, ये जो है ये मेरा मेन सेफ्टी डोर है, सेफ्टी गेट है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। एंड चलो फटाफट से रूम के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा शू स्टैंड है, तो सबसे पहले जो मैंने चप्पल पहना हुआ है उसको मैं निकाल के यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा शू स्टैंड है, बट बेसिकली यार मेरे हाथ में आप देख सकते हो कीज़ है, तो सबसे पहले मैं बारी बारी से यार ये दरवाज़ा खोलता हूँ। ठीक है, चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ये हो गया हमारा सबसे पहला गेट जो है वो ओपन हो गया है, एंड इसको करते हैं हम बाजू। और ये रहा दोस्तों हमारा सेकेंड गेट। अरे मेरी चाबी गिर गई यार, चाबी उठा लो। तो आपको दिखाते हैं हमारे घर का पहला लुक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरवाज़ा खुल जा, टैन टैन। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे न्यू घर में। स्वागत है आप सभी का, आ जाओ यार। सबसे पहले आप लोगों को पूरा घर दिखाते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम टू आवर न्यू होम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपको हमारा घर दिख रहा था वो पूरा का पूरा खंडहर दिख रहा था, यानी कि दीवारें तोड़ दी गई थी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था आपको किस प्रकार हमने पूरे घर का पूरा वापस से तोड़ के अंदर काम कराया है। तो एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, हॉल से लेकर बेडरूम तक एंड बालकनी, जो मेरा सबसे फेवरेट एरिया है वो भी बताऊँगा। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये है हमारा लिविंग रूम, यानी जिसको हम हॉल बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा हमारा है लिविंग रूम, जिसको हमने पूरा यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है। पहले सिर्फ सिंपल दीवार था दोस्तों, ठीक है, एकदम क्लीन था, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इसको हम प्रॉपर तरीके से चेंज करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले ऑरेंज एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कराया हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम्स भी लगाए हुए हैं, आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है ये एक वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। एंड उसके बाद हमने बुद्ध भगवान की एंड बाकी जो हमारे कृष्ण जी है उनके फोटो लगाए हुए हैं ऊपर, आप देख सकते हो बड़ी। एंड ऊपर का सीलिंग को भी आप देख सकते हो, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा गाइस, यहाँ पे हम लोग ने फॉल सीलिंग कराया हुआ है, टोटली डिफरेंट है। बीच में जो स्पेशल लुक, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ लगता है, जो कि है दोस्तों झूमर, क्योंकि यार मेरा एक पहले से ही था कि यार हम अपना घर जब बनाएंगे तो उसमें एक झूमर जरूर से होगा, तो वो चीज़ हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसके वजह से जो कॉम्बिनेशन हुआ है हमारे घर का वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ। साथ ही में ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ टीवी यूनिट, आप जानते होंगे, लेकिन इसको हम लोग ने पर्सनलाइज करके बनाया हुआ है, मतलब हमारे जो कारपेंटर थे उनकी हेल्प से, क्योंकि यार वो कारपेंटर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमें स्पेशली यहाँ पे एक तरीके से डिज़ाइन तैयार करके दिया है। एंड उन्होंने बोला है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा सूट होगा, एंड वाकई में जब काम फिनिश हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ यार वाकई में ये टीवी यूनिट जो बना है ना बहुत स्पेशल बना है। तो गाइस, एक और चीज़, जैसा कि मैंने आपको पीछे का टीवी यूनिट जो दिखाया, ये हमारा टीवी यूनिट है, लेकिन टीवी यूनिट में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यार आप लोगों को मैं जब जेआर ट्यूटोरियल्स पे वीडियो पढ़ाता था तो वो टाइम पर आप लोग मेरा मुझसे आप परसेंटेज पूछते थे, टेंथ में कितना मिला, ट्वेल्थ में कितना मिला, तो मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था तो इंजीनियरिंग में मुझे करने के टाइम मैं पूरे कॉलेज में सेकेंड रैंकर था, एंड मुझे लगातार 3 साल सेकेंड रैंक का अवार्ड मिला हुआ है, एंड वो अवार्ड मैंने यहाँ पर लाया हुआ है और रखा हुआ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, और वो जो कॉलेज है उसका नाम क्या है वो भी आपको पता चलेगा, और वो जो अवार्ड है वो कैसा दिखता है वो भी आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देख लेना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे कुछ डॉल्स वगैरह रखे हुए, क्योंकि मेरी बहन का जो लड़का है भांजा, जो छोटा सा है दियू, तो वो आया हुआ है, तो उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये जो अवार्ड दिख रहा है आपको, दिस अवार्ड, ये जो आपको अवार्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अवार्ड है आप देख सकते हो, जो कि है थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आपको दिख रहा होगा लोगो इसमें, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो ये जो अवार्ड है मुझे सबसे पहली बार मिला गया था जब मैं सेकेंड ईयर में था, और मैंने पहली बार सेकेंड रैंक स्कोर किया था, ठीक है, तो ये मुझे अवार्ड मिला। एंड जैसे इसके ऊपर भी आप देखोगे, जैसे ही मैं थर्ड ईयर में आया तो यहाँ पे मुझे एक और अवार्ड थीम कॉलेज की तरफ से मिला था, जो कि था दोस्तों अगेन सेकेंड रैंक का,
ठीक है। तो हमेशा मैं सेकंड रैंक लाता था, मतलब ऑब्वियसली कोशिश करता था फर्स्ट रैंक लाने की, लेकिन यार जो फर्स्ट रैंकर थे ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनती थे, एंड आप जानते हो उनके बारे में, मैंने उनके इंटरव्यू भी लिए हुए हमारे जे आर टॉक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, तो प्लीज़ जाके देख लेना। और दूसरा यहाँ पे एक और अवार्ड जो है, जो स्पेशल अवार्ड है, जब मैं फाइनल ईयर में आया दोस्तों, यानी बीई जिसको बोलते हैं, तो ये अवार्ड मुझे मिला था ऑल ओवर सेकंड रैंक स्कोर करने के लिए मेरे पूरे कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरी फोटो है जो कि थोड़ी छोटी है, आप लोग देखोगे तो हंसोगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो फोटो है ये लगभग आज से 5 या 6 साल पुरानी फोटो है, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेकंड रैंक का अवार्ड मुझे मिला हुआ था। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको रियलाइज हो सके दोस्तों, और आपको पता चल सके यार आपके राहुल सर भी रैंकर रह चुके हैं यार, मतलब यार समझ में आ रहा है। और एक चीज आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारा ऑरेंज और वाइट का ये हॉल का कॉम्बिनेशन हमने किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर जो है कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे इस प्रकार से है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये पार्ट जो है झूमर, जो मुझे सबसे बेटर लगा दो फैन के बीच में, ये हो गया। एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हमारी फैमिली बैठ के खाना खा सकती है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूँ, ये सोफा के ऊपर जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक स्पेशल फोटो फ्रेम जो नजर आएगा, और जो मुझे एक गिफ्ट मिला हुआ है बहुत ही करीब सख्शियत की तरफ से, एंड वो गिफ्ट जो है ना वो आप देखोगे इतना सुंदर गिफ्ट है, क्योंकि इसमें मेरी पूरी फैमिली पिक्चर कवर की गई है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ये फैमिली फोटो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं पूरी फैमिली के साथ एक व्लॉग शूट करूंगा और मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके रिवील करूंगा। तो आप लोग को अगर मेरी फैमिली से मिलना है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हैप्पी फैमिली लिखा हुआ है, एंड ये जो दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है ना, जो मेरा उंगली आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, ठीक है। उसके बाजू में आप देखोगे ये वाली जो सिस्टर है, ये मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर जो कि मेरे से बड़ी है। तो फर्स्ट नंबर पे ये बड़ी, उसके बाद ये बड़ी, एंड थर्ड नंबर पे आता हूं मैं दोस्तों, आपके राहुल सर जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये मैं एक्चुअली मनाली गया हुआ था तब का फोटो है। एंड बाजू में आप देखोगे मेरा छोटा भाई रोहन, एंड बीच में मेरे पापा और मम्मी यहाँ पे है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर जो कि मुझे एक प्यारे शख्स ने गिफ्ट की है, तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैंने इसको हॉल में लगा दिया। ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं दोस्तों, नहीं तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हॉल दिखाने के बाद, लिविंग रूम दिखाने के बाद, यहाँ पे एक फेवरेट एरिया जो है मेरा उसमें लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक फेवरेट एरिया मेरा है जो कि है दोस्तों यहाँ पे बालकनी, और ये बालकनी को ऑलरेडी मैंने रिवील किया था पिछले व्लॉग में। तो ये जो बालकनी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल बालकनी है, और यहाँ पे हमने कुछ काम करा हुआ है। ये टाइल्स जो आप देख पा रहे हो ये पहले नहीं था, ये हमने अलग से लगवाया हुआ है ताकि इसका जो लुक है वो एक प्रॉपर गार्डन जैसा आ सके। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, हमने ग्रीन मैट भी डाला हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा कूड़ा एंड सामान रखा हुआ है क्योंकि अभी नया घर है, हमने बहुत सारे नए सामान लिए हुए तो कूड़ा वगैरह रखा हुआ है, और कांदा भी स्टॉक में पड़ा हुआ है दोस्तों, महंगे हो जाते हैं ना बाद में इसके लिए कांदा हमने स्टॉक में रख दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन मैट डाला हुआ है ताकि गार्डन जैसा लुक आ सके। और ये हमारा आप देखोगे ना ऊपर की तरफ, ये बालकनी से अगर मैं यहाँ पे नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मुझे पूरे घर का यही लगा कि यार हमारे बालकनी से ना एक ऐसा नज़ारा नजर आता है दोस्तों जो पहाड़ों में आता है। तो ये आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे क्लीन एंड स्वीट। यहाँ पे आपको बीच बीच में ग्रिल का पार्ट नजर आएगा क्योंकि हमने सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे दोस्तों ना ग्रिल लगा दिया है, क्योंकि यार कुछ भी हादसा हो सकता है। पीछे आप देख सकते हो शाम का टाइम हो गया, लोग वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो ये ओपन ग्राउंड है एक तरीके से, यहाँ पे शायद फ्यूचर में बिल्डिंग बन सकती है। और आगे आप देखोगे पूरी पूरी सोसाइटी डेवलप है यहाँ पे, बहुत अच्छा नजारा है। तो चलो अब ये तो हो गया लिविंग रूम का पार्ट, फटाफट चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको आगे का रूम। तो गाइस लिविंग रूम का तो पार्ट आपने देख लिया है, अब आपको मैं दिखाता हूँ किचन का पार्ट, जो कि प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा तो एकदम प्लेन था, कुछ नहीं था उसमें, एकदम सादा था। लेकिन अभी आप आ जाओ और आपको मैं दिखाता हूँ हमारा जो किचन है दोस्तों वो कितना चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा टोटली एंटायर हमने इस किचन को चेंज कर दिया है कुछ नए इक्विपमेंट्स के साथ एंड कुछ मॉड्यूलर चीजें के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखोगे कि हमने पूरा जो चीजें हैं वो पूरा करके रखा है, हमने बर्तन वगैरह भी ला दिया क्योंकि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और प्रॉपर तरीके से 2 से 3 दिन में हम लोग आ जाएंगे। घर की पूजा होनी बाकी है, 1-2 दिन में हो जाएगी, वो भी आपको व्लॉग्स के थ्रू पता चलेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म तैयार रखा है, मॉडर्न किचन टाइप हमने तैयार कर रखा है, ऊपर दो बॉक्सेस है ताकि कुछ सामान वगैरह हम डाल सके। इसके अबाव अपोजिट में भी आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट में भी आपको कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे। एंड यहाँ पे यार फ्रिज जरूरी था, ठीक है, तो फ्रिज भी हमने नए घर के लाए क्योंकि हमारा जो पुराना फ्रिज था बहुत ज्यादा खटारा हो चुका था। पुराने वाले घर का व्लॉग चाहिए क्या, तो वो भी बना दूंगा दोस्तों, आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लेना। बस आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते रहो और आपके राहुल सर को थोड़ा सा व्लॉगिंग में भी सपोर्ट कर दो ताकि यार डेफिनेटली हम लोग जेआर ब्लॉग्स को भी एक आगे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सके। तो चलो आ जाओ किचन से हम बाहर आ जाते हैं। ये हमारा जो पार्ट है वो गैलरी का पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो गैलरी में भी हमने टाइलिंग्स की है,
ये पूरा प्लेन दीवार था सबसे पहले, तो हमने इसमें अपने मन के हिसाब से हमने टाइलिंग डाला हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो टाइल्स में भी बहुत ही लाइक सुंदर सुंदर वो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स बने। अब ये फ्रूट्स अंगूर जैसे तो नहीं है लेकिन दिख तो वैसे रहे। तो चलो आप आ जाओ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे सामने की तरफ वॉशरूम है जो कि दिखाऊंगा तो नहीं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है, वॉशरूम का पार्ट है लेकिन उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आ जाओ, अब सीधा हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर वन की तरफ जो कि हमारा ये है। तो आप आ जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा है बेडरूम नंबर वन जो कि ऑलरेडी मैंने रिवील किया हुआ था आप लोगों को हमारे इसके पहले वाले ब्लॉग में। तो पहले कितना क्लीन और कितना लाइक एकदम साफ था, लेकिन अभी हमने इसको पूरा पेंट करवा दिया है। ऊपर आप देखोगे फॉल सीलिंग वगैरह भी डाल दिया। और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है दोस्तों ये रूम का, हमें जरूर से कॉमेंट बॉक्स में जरूर से कॉमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यार ये जो कलर है ना वो चूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। यहाँ पे हमने ये दीवार पे थोड़ा सा टेक्स्चर भी मारा हुआ है एंड यहाँ पे हमारा मंदिर है ठीक है, हमने यहाँ पे डाला हुआ है ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट बेडरूम का पार्ट ठीक है। अब चलते हैं, आ जाओ दोस्तों, इसको हम लोग कर देते हैं बंद। ये हमारा बंद हो गया, अब आ जाओ। यहाँ पे भी वॉशरूम है, यहाँ पे हमने कुछ दूसरा पार्ट डाला हुआ है जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड नंबर ऑफ बेडरूम जो कि पर्सनल और मास्टर बेडरूम माना जाता है। तो आ जाओ यार फटाफट से आ जाओ ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेडरूम नंबर टू एंड फाइनल बेडरूम, और यहाँ बोल सकते हो एक तरीके से मेरा पर्सनल रूम रहेगा। तो ये है आपका सेकेंड नंबर ऑफ रूम इस फ्लैट का जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसको मैंने अपने हिसाब से पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो पूरा कवर्ड है ये हमने पूरा बनवा के लिया है दोस्तों। ये पूरा दीवार तक टच है यानी पूरा सीलिंग तक टच है, इसको हमने अपने हिसाब से बनवाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, साथ ही में बेड आपको दिख रहा होगा। ये जो टेक्सचर है ये भी डिजाइन हमने करवाया हुआ है एंड साथ में जो पेंटिंग है वो मेरा फेवरेट एक तरीके से बोल सकते हो, थोड़ा ब्राउनिश कलर में आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने एक वर्क सिस्टम बिठाया लेकिन अभी फिलहाल में मैं वर्किंग में नहीं हूँ। जैसा आपको पता होगा कि हम आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं लेकिन आपके लिए जो वीडियोस आते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आते हैं हमारे पुराने वाले घर से जहां से हम लोग वीडियो पहले शूट करते थे। बट यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा सेटअप पूरा रेडी हो जाए। तो जैसे ही पूरा सेटअप रेडी होगा और कुछ नए सरप्राइजेस आएंगे तो वो आप लोग को हमारे अगले व्लॉग्स में या फिर कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो ये है हमारा ओवरऑल, और यहाँ पे आप देख सकते हो यार गर्मी बहुत पड़ रही है, इसके लिए हमने एक एयर कंडीशन भी डाल दिया है दोस्तों। तो यार मतलब ओवरऑल यही था हमारा पूरा का पूरा बेडरूम और पूरा का पूरा घर जो हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की, जो आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे कि सर आपका जो नया घर है उसका एक बार टूर करा दो। पुराने वाले घर का तो मैंने ऑलरेडी, जो मेरा बेडरूम था जिसको मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट किया हुआ था वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, लेकिन आप लोग अगर डिमांड करोगे तो वो पुराने वाले घर का मैं पहले कैसे स्ट्रगल करके वीडियोस बनाता था वो सभी चीज आपको मैं एक न्यू व्लॉग में भी बना के दे दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये जो घर है दोस्तों ठीक है, जो हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया है दोस्तों, और बहुत ज्यादा मेहनत, इतना मेहनत लगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा टाइम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक खुद वर्कर्स लोग जो आते थे, जैसे मैंने बताया कि 5 लोग की टीम हमने हायर की थी, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, पेंटर हो, पीओपी वाला हो, टाइल्स वाला हो या फिर जो है कारपेंटर हो, उसके साथ हम खुद खड़े होके मैं और मेरा भाई रोहन आप यहाँ पे खड़े होके हम लोग काम करवाते थे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ताकि हर एक चीज परफेक्ट हो सके और हमारे जो बचपन का सपना था कि हमारा भी खुद का एक अपना सा छोटा सा एक घर हो वो पूरा हो सके। एंड फाइनली वो चीज मैंने अचीव कर ली है और मम्मी पापा को मैंने गिफ्ट भी दे दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे फादर मदर मतलब मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1 से 2 दिनों के अंदर पूजा भी हो जाएगा एंड उसका भी एक सेपरेट ब्लॉग में बना दूंगा ठीक है। ज्यादा कुछ तो होगा नहीं लेकिन एक सेपरेट ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग भी प्यार दोगे हमें, बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। और इसी के साथ ये व्लॉग को भी दोस्तों यहाँ पे मैं एंड करूंगा, क्योंकि देखो अब मेन चीज जो है यही है कि आपके राहुल सर ने यहाँ पे कुछ करके दिखाया अपने लाइफ में जो मुझे आपसे कहना था। बस आप लोग अगर प्यार दिखाते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे दोस्तों तो डेफिनेटली आगे बहुत सारी चीज ऐसे सपने हमने देखे हैं जो आप लोगों के लिए भी है दोस्तों। क्योंकि जैसा मैंने बताया था दोस्तों कि मेरा एक सपना है, ये तो चलो एक पार्ट है जिसमें हम रहेंगे, मेहनत किया मेरे फादर मदर को मैंने गिफ्ट कर दिया, लेकिन एक मेहनत जो है ना जो मुझे आप लोगों के लिए करना है और जो मैं 2020 से करता आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब से लॉकडाउन वगैरह तब से करता आ रहा हूँ, तो वो सपना जो है ना महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशन लाने का, एजुकेशन फील्ड में कुछ ऐसा चीज करने का जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके, तो वो चीज के लिए डेफिनेटली आप हमें सपोर्ट करते रहो और हम आपके लिए जितना हो सके एनर्जी लगा के मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। इसी के साथ ब्लॉग आज का समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।